नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एन सिंह होम्योपैथिक फिजिशियन। मेरे यूट्यूब चैनल ओम होम्यो केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो होने वाली है मैरिड लोगों के लिए और कपल्स के लिए, जिनको भी ईडी से संबंधित समस्या है। ईडी मतलब वो नहीं जो नेताओं के पीछे पड़ी हुई है, ईडी मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन या उससे रिलेटेड और कोई समस्या जो होगी उसके बारे में बात करेंगे। आपको क्या अपने लाइफस्टाइल में सुधार करना चाहिए जिससे आप इन समस्याओं से दूर रह सकें, और साथ ही होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगा जो कि मैं इस केस में रिकमेंड करता हूं या देता हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि दूसरों को भी फायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की वीडियो शुरू करूंगा मैं एक छोटी सी पेशेंट की हिस्ट्री के साथ। एक पेशेंट आता है करीब एज 35 के लगभग, उसको कुछ प्रॉब्लम थी तो दो तीन विजिट में उसका प्रॉब्लम ठीक हो गया। फिर अगली विजिट में जब वो आया तो बताया, डॉक्टर साहब मुझे एक सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब जैसे ही सेक्स करना शुरू करते हैं कुछ ही सेकेंड में डिस्चार्ज हो जाता है और उसके बाद बहुत बुरा फील होता है, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर मैंने पूछा डॉक्टर ये प्रॉब्लम है कब से, तो बताया उन्होंने कि ये प्रॉब्लम डॉक्टर साहब शुरू से ही है। शुरुआत में क्या था कि डॉक्टर से दिखाया, कुछ पिल्स दिया उन्होंने, जब भी वो पिल्स खाते थे सब कुछ ठीक रहता था और कुछ घंटे वो तक असर रहता था, उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाता था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे उस वो दवा असर करनी बंद कर दी, उसके बाद फिर थोड़ा साइड इफेक्ट भी होने लगा, असर भारी रहने लगता था, हार्ट बीट बढ़ जाती थी, थोड़ा दिक्कत कुछ और होने लगती थी, तो मैंने दवा बंद कर दी वो। फिर क्या हुआ कि अब काफ़ी लंबा समय बीत गया, जब भी ऐसा मतलब कोशिश करते हैं कुछ ही सेकंड में डिस्चार्ज हो जाता है और बहुत ज़्यादा मतलब बुरा महसूस होता है, इसलिए धीरे धीरे मन हटता जा रहा है। अब ये समस्या किसी एक की नहीं है, ये समस्या आजकल बहुत से लोगों में है, बहुत से युवाओं और प्रौढ़ों में ये समस्या पाई जा रही है, जिसका कारण बहुत हद तक खान पान की अनियमितता, अनियमित दिनचर्या या स्ट्रेसफुल लाइफ के कारण हो रहा है। और अगर इससे आप रिलेटेड और भी जानकारी चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप मेरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन का वीडियो देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। अगर आप इसको सही करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं 3 टिप्स दूंगा और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन की एक लिस्ट दूंगा, अगर आप उसको कुछ समय तक यूज करते हैं तो इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। और 3 टिप्स हैं वो, पहला टिप्स है इम्प्रूव योर हेल्थ, दूसरा टिप्स है इम्प्रूव योर रिलेशनशिप, और तीसरी टिप है सेक्स ऑन रेगुलर इंटरवल। आप कहेंगे कैसे फायदेमंद होगा, पहले टिप के बारे में समझे, इम्प्रूव योर हेल्थ। अगर आपका हेल्थ ही नहीं सही रहेगा, पता चला कि आपको डायबिटीज है, आपको थायराइड की समस्या है, आपको एंजाइटी है, आप डिप्रेशन में हैं, तो फिर आपका मन और कहाँ लगेगा, और भी क्या कर लोगे आप। तो सबसे पहले तो अपना हेल्थ सुधारें, हेल्थ सही रहेगा तो आपके दूसरे परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे होंगे। दूसरी समस्या इम्प्रूव योर रिलेशनशिप, दो लोग हैं दोनों के बीच में रिलेशन ही अच्छे नहीं है, इंटरकोर्स या सेक्स की बात ही दूर दूर तक नहीं होगी। तीसरा सेक्स ऑन रेगुलर इंटरवल, कुछ लोग कहते हैं शक्ति बचा के रखो, आप जितना बचा के रखेंगे उतना ही आपकी इच्छा बढ़ेगी, इच्छा बढ़ेगी तो जैसे ही आप कोशिश करेंगे वैसे ही आपका इजुकुलेशन होगा और आपको लगेगा कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता। अब मैं आपको होम्योपैथी की जो कॉम्बिनेशन है मैं देता हूँ अक्सर वो आपको बताऊँगा, उसमें जो दवाएँ हैं वो आपको बताऊँगा और उसको कैसे लेनी है वो आपको बताऊँगा, और दवाओं को स्क्रीन पर लगा दूँगा ताकि आप ठीक से देख लें। उसमें 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन है, जिसमें पहली दवा है एग्नस कैस्टस 200, दूसरी है लाइकोपोडियम 200 में, और तीसरी दवा है सिलेनियम 3X में आपको ले आनी है। अब आपको यूज कैसे करना है, जैसे एग्नस कैस्टस 200 में और लाइकोपोडियम 200 में आपको क्या करना है कि इसको गोलियों में बनवा के ले लेना है। गोलियों में इसलिए बनवा के ले लेना है क्योंकि लंबे समय तक आपको दवा खानी है तो आपको इकोनॉमिकल भी रहेगा, और दूसरे आपको बहुत ज़्यादा दवा की मात्रा या अल्कोहल नहीं लेना पड़ेगा, जैसे आप गोलियों में इस तरह से बनवा के लाएं। और एग्नस कैस्टस और लाइकोपोडियम
दोनों को चार चार गोली सुबह और रात में आप इसको मुंह चूस लें, और साथ में सिलेनियम 3X वो टैबलेट फॉर्म में आती है उसको आप जो है 3 गोली सुबह और शाम आप चूस लें मुंह में रख के। और उसके साथ ही और दो और दवाएं मैं बताऊंगा जो मदर टिंचर हैं। वो दवा कौन सी है? वो है ट्रिबुलस टेरेस्टियस मदर टिंचर यानी क्यू फॉर्म में, और दूसरी दवा है डेमियाना क्यू या मदर टिंचर फॉर्म में। ठीक है, इन दोनों को आप 30 ml 30 ml ले लेंगे, और आधे कप पानी में 20 बूंद डाल के मिलाएंगे, नहीं अलग अलग 20 बूंद डाल के ट्रिबुलस टेरेस्टियस पी लेंगे, और फिर आधे कप पानी में डेमियाना 20 ड्रॉप डाल के पी लेंगे, और कम से कम आप 1 महीने आप इसको यूज करें, आपको फायदा लगेगा तो इसको और कंटिन्यू करें, क्योंकि ये समस्या अगर आपकी पुरानी है तो ये धीरे धीरे जाएगी और नेचुरली सब कुछ ठीक होगा। ऐसा नहीं हुआ कि आपने आज दवाई ली, आज तुरंत तनाव हुआ और उसके बाद खत्म। धीरे धीरे आपका समस्या दूर होगा, और नेचुरली जब आप दवा छोड़ भी देंगे तब भी आपकी समस्या जो है वो खत्म रहेगी, और आपको नेचुरली इच्छा भी होगी, तनाव भी होगा, आप परफॉर्म भी कर पाएंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक थम्स अप जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।